जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से आज बात करेंगे टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। सबसे पहले इसे कंपनी या स्टॉक कहना उतना सही नहीं होगा जितना इसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कहना सही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। क्योंकि एक तो शेयर के प्राइस बढ़ने से इसके जो इन्वेस्टर्स उनको मोटा कमाई होता ही है, साथ में ये कंपनी हमेशा डिविडेंड देने की चर्चा में बनी रहती है। अभी कंपनी का फिर से एक बार लेटेस्ट डिविडेंड आया है, उस डिविडेंड के बारे में समझेंगे कब मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, किसे मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस स्टॉक में कि मुझे पता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है और इस स्टॉक को लेना चाहते हैं। हालांकि आप अकेले ऐसा नहीं है जो जिसको ये इस कंपनी का शेयर्स नहीं मिल रहा है। मैं भी कतार में हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे जब आप अकेले ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस कंपनी का शेयर्स नहीं मिल पा रहा है। मैं भी लाइन में हूँ, देखिए ये मेरा ही डीमैट अकाउंट है, एम स्टॉक मेरा डीमैट अकाउंट है और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मैंने इस कंपनी के जो शेयर्स हैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ और काफ़ी दिनों से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ उस कंपनी के शेयर्स को लेने के लिए। लेकिन चूंकि जब यहाँ पर देखेंगे आप इस कंपनी के डिटेल्स में तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, हालांकि अभी तो मार्केट बंद है लेकिन जब आप देखेंगे जब मार्केट ओपनिंग के टाइम में तो यहाँ पे बायर्स तो देखेंगे, यहाँ पे बिड लगा हुआ दिखेगा बायर्स के लेवल में, लेकिन यहाँ पे सेलर्स के लेवल में कोई भी आपको सेल करते हुए नहीं दिखेगा। तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति सेल नहीं करेगा तो आपको इस कंपनी के शेयर्स कैसे मिलेंगे और कोई व्यक्ति इसे सेल करेगा भी क्यों? यदि आपके पास भी इस कंपनी के शेयर्स होता तो आप भी इस स्टॉक को सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कैसा स्टॉक है जैसे मैंने बताया कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ने से तो मुनाफा होता ही है और लगातार ये जो कंपनी है डिविडेंड देती हुई भी नजर आती है। तो इस वजह से लोग इस कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचना चाहते। मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर दिखाऊंगा कि कितने कौन कौन से लोग हैं जो इस कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचना चाहते। सबसे पहले चलते समझते हैं कंपनी कितने रुपये डिविडेंड लेकर आई है, कब मिलेगा और कितना मिलेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पे मैंने टपारिया टूल्स लिमिटेड स्टॉक ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। सामान्यतः तो छोटी स्टॉक में जो तमाम कंपनियाँ होती है रेड फ्लैग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एकदम सब चीज़ ग्रीन ही ग्रीन है और शेयर मार्केट में हमेशा ग्रीन हो तभी मजा आता है। नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ये स्टॉक अभी आपको जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उसका आउटकम होते हुए दिखाया, जिसमें मैंने बताया कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, 20 रुपये का अनाउंसमेंट किया है 12 फरवरी की डेट में। चलिए समझते हैं रिकॉर्ड डेट कब है, विस्तार से डिविडेंड के बारे में जानकारी लेते हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में, इसी में जो कॉर्पोरेट की तरफ से कंपनी की तरफ से एक्शन लिया जाता है वो दिखता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखेगा कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, 20 रुपये कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। छोटी मोटी डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, मतलब 20 रुपये कोई एक छोटी कंपनी के लिए डिविडेंड देना ये कोई साधारण बात नहीं है। 23 फरवरी को इसके लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है 24 फरवरी को रखा गया है, यानी कि कम से कम 23 फरवरी से पहले तक आपके पास इस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, तब जाके आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। और ये एक ऐसी कंपनी है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, जो समय समय पर आपको डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट सब चीज़ देते रहते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और आपका शेयर्स का प्राइस मान लीजिए नहीं बढ़ रहा है या धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब भी यहाँ पर आप देखेंगे जो कंपनी आपको बार बार डिविडेंड दे रही है, साल में लगभग हर साल डिविडेंड देती है और किसी किसी साल में दो बार ये कंपनी डिविडेंड दे देती है, तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं उसको। ये तो सिर्फ डिविडेंड से ही आपको हो जाएगा, इसलिए इस कंपनी का स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। आप कोशिश कीजिए कम से कम एक ही बिड आप लगाएं, मतलब यदि एक शेयर्स भी आपके पास है तो कोई कम बात नहीं, एक शेयर्स का प्राइस है 3 रुपये और आपको 20 रुपये उस पर डिविडेंड ही मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो क्वांटिटी जब आप प्लेस करें तो कम से कम एक क्वांटिटी प्लेस करें, क्योंकि एक भी व्यक्ति यदि कोई शेयर्स बेचेगा, एक शेयर्स भी बेचेगा तो आपको ये शेयर्स मिलने के चांस रहेंगे। आप कुछ भी करके टपारिया टूल्स लिमिटेड के पहले कम से कम एक शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और एक शेयर जब आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है उसके बाद फिर हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसे तैसे, लेकिन पहले एक जरूरी है कि एक शेयर्स कम से कम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। जब आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आते हैं और आप फाइनेंशियल में देखेंगे तो ये कंपनी का फंडामेंटल है वो लगातार आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। शेयर प्राइस के साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी साल दर साल ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी काम करती है ना बेसिकली हैंड टूल्स बनाती है, हैंड टूल्स में जो औजार वगैरह आते हैं उस सब कंपनी चीज़ मैंने एक यूनिक लेवल का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और उसको बाजार में उतारती है। और ये जो हैंड टूल्स होता है ऐसी बनाने वाले बहुत कम कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ यूनिक काम करने वाली कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट होगी तो उसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी, साथ में फंडामेंटल भी कंपनी का ग्रो करेगा। आप देख सकते हैं 2019 से 2024 तक कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर ही जा रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन से इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो इस कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचना चाहते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अभी हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो देखेंगे ये जो ग्रीन वाला आप लाइन देख रहे हैं ये प्रमोटर्स का लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर से स्टॉक इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़े हुए हैं और कौन कौन से यदि प्रमोटर्स है उसको देखना है तो यहाँ पर हम लोग सी टॉप होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप नाम देखिए, सबसे पहले जो भी व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है उसमें टपारिया लगा हुआ है, यानी कि ये जो कंपनी है अपने ही लोगों को ज़्यादातर इस कंपनी के शेयर्स दे रखी है और अपने ही लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए कंपनी बार बार डिविडेंड देती रहती है, क्योंकि एक प्रकार से डिविडेंड
देती है, तो क्या होता है कि जो इसके शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने ही लोग हैं, तो उनकी मोटी कमाई अपने ही लोगों के पास जाती है और बाकी के बहुत कम शेयर्स इस पब्लिक के पास पड़े हुए हैं। तो इस वजह से ये दिक्कत आता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस होल्डिंग्स में अपनी कम से कम हमें एक शेयर्स तो लेना ही, अपनी एक जगह तो इस होल्डिंग्स पर अपनी बनानी ही बनानी है। तो टपारिया टूल्स लिमिटेड में स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, और स्टॉक बढ़िया होने के साथ साथ कंपनी का जो फंडामेंटल है, जो कंपनी का टेक्निकल डाटा है वो, और जो कंपनी काम करती है, सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियो में इसके कम से कम एक शेयर्स को ऐड करने के लिए। और इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।